वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेवेप्रिल टैबलेट के बारे में, जिसे न्यूरो के केस में डॉक्टर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, और ऐसा न्यूरो का एक भी केस नहीं होगा जिसमें इस टैबलेट का यूज नहीं होता। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो में आपको ढेर सारी जो है नॉलेज मिलने वाली है। और आज हम इस वीडियो में इस टैबलेट की कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके प्राइस रेट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो किन किन बीमारियों में यूज़ होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर इसे कैसे लेना है और इसकी डोज के बारे में बात कर लेंगे, और लास्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज़ ये है लेवेप्रिल 750 mg की टैबलेट, और कंपनी की बात करें तो इसे सन फार्मा बनाती है, बहुत ही फेमस कंपनी है गाइज ये। और इसके प्राइस रेट की बात करें तो ये 199 रुपीस की आपको मिलती है 10 टैबलेट्स, और सब्सिट्यूट में बहुत सारे सब्सिट्यूट हैं, लेकिन सबसे सस्ता सब्सिट्यूट आपको सिप्ला का लेवेप्सी मिलेगा। ओके गाइज, तो इसके कॉम्पोजिशन की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको लेवेटीरा सीटैम आपको मिलता है 750 mg का, और मैं आपको अभी इसे खोल के भी दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल टैबलेट की स्टेप आपको दिखेगी कैसी। तो देखिए, कुछ आपको इस तरह की जो टैबलेट मिलती है, और साथ में आपको एक लिटरेचर पेपर भी मिलता है, ये देखिए। और गाइस, जो ये लिटरेचर पेपर है इसमें आपको टैबलेट से रिगार्डिंग हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये लिटरेचर पेपर आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा का पूरा जो बॉक्स है आप ख़रीदेंगे, और इसके अंदर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे इसकी डोज वगैरह और इसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर रेड लेबल किया हुआ है, मतलब कि जो ये टैबलेट है ये न्यूरोलॉजिस्ट ही लिख सकता है, वही इसको प्रेस्क्राइब करेगा और वही इसकी डोज वगैरह को बताएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डोज में पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से न्यूरोलॉजिस्ट बताएगा कि उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि ये गोली किन किन बीमारियों में यूज़ की जाती है। तो गाइज़, ये टैबलेट आमतौर पर दूसरी मेडिसिन के साथ दी जाती है। ये टैबलेट दौरे आने की बीमारी को ठीक नहीं करती, केवल दौरे को कंट्रोल करती है। जब तक ये टैबलेट लेते हैं तब तक ये दौरे को कंट्रोल करने का काम करती है। ये आपके ब्रेन में नर्व के एबनॉर्मल इम्पल्सिस को धीमा कर देती है, इस प्रकार दौरे का आना कम हो जाता है। वैसे तो बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें इसको यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली इसको एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज़ होता है, जैसे फोकल एपिलेप्सी, पार्शियल कम्प्लेक्स एपिलेप्सी और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। ये दूसरे दौरों को भी रोकने के लिए यूज़ होती है। ये फेनिटोइन की तरह सीजर्स को रोकने के लिए यूज़ होती है, जैसे ट्रायूमक ब्रेन इंजरी। ये सबअरकनॉइड हेमरेज से होने वाले सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होती है। ओके गाइस, तो आगे हम इस टैबलेट की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, यूनिवर्सल जनरल डोज जो एडल्ट में है वो है 1000 mg से 3000 mg, और आप इसको 24 घंटे में दे सकते हैं। वहीं अगर इसकी डोज बच्चों में देखें तो जो डोज है बच्चों में वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है। जनरली डोज बच्चों में 20 mg से 30 mg पर kg आप बच्चों में दे सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एग्रेशन, सुसाइडल अटैम्प्ट, कन्वर्जन, एंजाइटी, बैलेंस डिसऑर्डर, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, स्लीपीनेस, डबल विजन, मूड स्विंग, डिजीनेस और हेडेक इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और गाइस, जब ये पेशेंट इस मेडिसिन को लेता है तब पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए एडवर्स इफ़ेक्ट के कारण। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टैबलेट आपको कैसी दिखेगी। तो देखिए, ये टैबलेट आपको लाइट ऑरेंज कलर की दिखती है, ये देखिए गाइज। ओके गाइज, तो
अगर आपको इस टैबलेट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मुझे खुशी होगी आपके सवालों का आंसर देके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।